उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार संगठन द्वारा सम्मेलन हुआ। सम्मेलन में गठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल ने कहा, केंद्र और प्रदेश सरकार व्यापारियों के हितों में काम कर रही है, व्यापारियों के उत्पीड़न बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व सांसद नरेश अग्रवाल का कस्बे के व्यापारियों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। सम्मेलन की शुरुआत करते हुए पूर्व राज्यसभा सांसद ने कहा कि व्यापारी देश की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। उन्होंने कहा, किसी भी व्यापारी का उत्पीड़न नहीं होगा। नवभारत समाचार, उत्तर प्रदेश, हरदोई से अमित कुमार राठौर की रिपोर्ट। और हम अल्पमत बहुमत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कह रहे हैं कि बहुमत की राय का भी विरोध नहीं करना चाहिए। आज मोदी जी पूरे विश्व में हिंदुस्तान का डंकर डाले हुए, G20 का हिंदुस्तान अध्यक्ष हुआ, मोदी जी उसके अध्यक्ष हो गए। 20 देशों के आज मोदी जी अध्यक्ष हैं। पूरे देश को एक रखना, जबकि तमाम क्षेत्रीय पार्टी अलग अलग नारे के साथ चल रही है। बंगाल की क्षेत्रीय पार्टी कुछ कहती तो बिहार की कुछ कह रही है, तेलंगाना की कुछ कहती तो केरल की कुछ कह रही है, लेकिन उसके बाद भी सबको एक साथ रखना कितना बड़ा काम है। लोग अपने दो बेटों को तो एक साथ रख नहीं पाते, हम इतना बड़ा हिंदुस्तान अगर एक करेंगे तो हमको फिर हटाने के लिए क्यों नाराजी हो। मैं कहता हूं, लकीर बड़ी खींचने से नेता बड़ा होता, लकीर मिटाने से नेता बड़ा नहीं होता। अगर